मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, भोजपुर जिले के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री उद्योग विज्ञान एवं प्रावैधिकी श्री जय कुमार सिंह जी, सांसद राज्यसभा श्री आर के सिन्हा जी, माननीय विधायक श्री राम विष्णु सिंह जी, श्री प्रभुनाथ राम जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राधा चरण साव जी, श्री संजीव श्याम सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, पूर्व सांसद माननीय श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व विधान दलों के सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, कला संस्कृति और युवा विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, पर्यटन विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, शाहबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी कलाकार बंधुओं, खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, कला प्रेमियों, बाबू वीर कुंवर सिंह जी के प्रति आस्था रखने वाले युवा पीढ़ी के मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण और बाबू वीर कुंवर सिंह के 160वें विजयोत्सव समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव के अवसर पर उपस्थित हुए। 23 अप्रैल 1858 उन्होंने विजय हासिल की थी और आज 160 साल पूरा हुआ। आप जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे बिहार में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जन्मोत्सव के अवसर पर प्रकाश पर्व का आयोजन किया और उसके साथ साथ समापन समारोह शुक्राना समारोह का भी आयोजन किया और बापू के, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का भी 100 साल पूरा हुआ। गांधी जी आए थे 10 अप्रैल 1917 को पटना में, वहां से मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण गए और जो निर्भयों का अत्याचार था उसके खिलाफ जो किसानों की पीड़ा थी उसको उन्होंने देखा सुना और उसने अपने आप एक सत्याग्रह का रूप धारण किया और अंग्रेजों को समर्पण करना पड़ा, नया कानून लाना पड़ा था। तो बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने के बाद हम लोगों ने 10 अप्रैल 2017 से शताब्दी समारोह मनाया। देश भर से हम लोगों ने गांधी जी के विचारों के प्रति रुचि रखने वाले बुद्धिजीवियों को, चिंतकों को, पत्रकारों को आमंत्रित किया था। पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया था। बापू ने स्कूल खोला था, वहां भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो ये सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वां प्रकाश पर्व का आयोजन, बापू के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का आयोजन और उसी
समय मेरे मन में ये बात आई कि बाबू वीर कुमार सिंह जी का भी विजयोत्सव का 160 साल पूरा होने जा रहा है 23 अप्रैल 2018 को। हम इस सिलसिले में भी 3 दिनों का एक बृहद कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उसी सिलसिले में आज से शुरुआत हो रही है। गत वर्ष ही हम लोगों ने इसकी घोषणा कर दी थी और देखिए बाबू वीर कुमार सिंह जी ने जो 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई और जिस तरह से उन्होंने लॉन्ग मार्च किया पूरे देश का 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई की यात्रा उन्होंने की और ये 2300 किलोमीटर की लंबाई का जो आकलन किया गया है आज के सड़क की दूरी के हिसाब से किया गया है। लेकिन वो जब गुजर रहे होंगे तो आज जो सड़क है वो कल तो नहीं थी, तो किस तरह से वो घूमते हुए जा रहे होंगे, संभव है वो 2300 किलोमीटर नहीं उससे भी दुगना या तिगुना कम से कम लंबी दूरी की उन्होंने यात्रा की। तो एक लॉन्ग मार्च जो उनकी लंबी यात्रा निकली और देश में यूपी में अवध क्षेत्र में सब जगह वो गए तो वो जो उनकी यात्रा हुई हम लोगों को ऐसा लगता है ये महसूस भी करते हैं कि भाई 1857 का जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से शासन भी चलाती थी उसके खिलाफ जो विद्रोह था और सैनिकों के अंदर भी जो विद्रोह हुआ था कि हम बिहारवासी को याद करते हैं लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि बिहार के बाहर जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका है 1857 के विद्रोह में उसकी चर्चा देश में उस पैमाने पर नहीं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम 160वां विजयोत्सव इस तरह से मनाएंगे और सब जगह से लोगों को बुलाएंगे आमंत्रित करेंगे। आज तो यह सब कार्यक्रम है, खेल कूद का भी कार्यक्रम सब कुछ होगा, पटना में भी कार्यक्रम चल रहा है, बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में उनकी प्रतिमा रखी गई है, कई म्यूरल लगाए गए हैं और हमारे बच्चे देखेंगे। पहले उसको हार्डिंग पार्क कहा जाता था, अब वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में बच्चे जब देखेंगे घूमेंगे बाबू वीर कुंवर सिंह का जो योगदान है देश की आजादी की लड़ाई में उसको जानेंगे, देख करके चित्रों के जरिए जानेंगे। और यही नहीं वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में बिहार के जितने स्वतंत्रता संग्राम के हमारे प्रमुख सेनानी थे जननायक थे उन सब लोगों की भी जो भूमिका हुई है उनका जो त्याग हुआ है बलिदान हुआ है उसको भी म्यूरल के जरिए बाबू वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में हम लोग प्रचिन्हित करेंगे। उस आवाज और कल तो अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है लेकिन परसों 25 अप्रैल को पटना में एक बड़े पैमाने पर बाबू वीर कुंवर सिंह जी के काम पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ और इसमें देश भर से अनेक लोगों को आमंत्रित किया गया, सब लोग आएंगे और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जो भूमिका रही है 1857 से 1858 में इसकी चर्चा करेंगे। और इसका उद्देश्य हमारा 3 दिन तक का सिर्फ कार्यक्रम आयोजित करना नहीं बल्कि ये जितनी बातें जितने कार्यक्रम सब चीज को रिकॉर्ड भी किया और सब लोग जो अपने विचार को रखेंगे उसके आधार पर बाबू वीर कुंवर सिंह जी की भूमिका के बारे में एक नए ढंग से हम लोग किताब को प्रकाशित भी करेंगे और उसका प्रचार देश के दूसरे प्रांतों में भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे और हमारी नई पीढ़ी के जो लोग हैं हमारे छात्र छात्राओं को जैसे हमने क्या कहा बापू का कथा वाचन हर स्कूल में होगा, लोग जानेंगे कि गांधी जी ने क्या किया, कैसा उनका जीवन था, क्या उनका व्यक्तित्व था और गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उनके जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में कहानियों के जरिए हम नई पीढ़ी को अवगत कराएंगे। उसी तरह से बाबू वीर कुंवर सिंह जी को की जो भूमिका है 1857 में उसको भी कहानी के जरिए हम नई पीढ़ी को बताएंगे और ताकि वे सब लोग दिल में उसको ग्रहण करेंगे। यह जरूरी है कि बिहार को आजादी की लड़ाई में भी क्या भूमिका है और सबको मालूम बिहार को ज्ञान की भूमि रही, पुरानी भूमि ऐसी भूमि रही और हम अभी इस साल
जब अपनी समीक्षा यात्रा में हम गए थे तो यही दावा था आपका, ये जगदीशपुर से भैया जो जाते हैं तो दावा बीच में है और उसी गांव में मेरा कार्यक्रम था। हम उसके पहले नहीं जानते थे, जब दावा गांव गए थे इसी साल तो ही पता चला कि उज्जैन से राजा लोग आए थे और जा रहे थे गया, रात में वही रुके थे और रुकने के बाद जो वहां की स्थिति को देखा, वहां एक हिरन था उसको इनके टीम का जो एक कुत्ता था हिंसक कुत्ता वो दौड़कर खदेड़ रहा था, लेकिन हिरन एक टीले पर चढ़ जाता था, कुत्ता उधर जा नहीं पाता। इस बार कई बार हुआ तो जो उज्जैन के राजा थे उसको उनके पुलिस ने बताया, वो सिपाही ने बताया उसके सेना ने, तब वो जाने पता किया कि भाई ये टीला तो बहुत ही अद्भुत जगह है और फिर उन्होंने तय किया कि हम यहाँ आवास करेंगे। और उसी समय ये मालूम हुआ कि जो उज्जैन से आए थे और वहां पर दावा में गए थे और दावा से ही जगदीशपुर आए और उसी पीढ़ी के वंश, उसी परिवार के वंशज हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी जो जगदीशपुर में आए। तो इस बार दावा गांव में जाने के बाद ये सब पता चला और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में हमारे सभी साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने ढंग से बहुत सारी बातें रखी, कुछ बताने की जरूरत नहीं। अगर चार पांच लोगों ने जितनी बातें कही उसी को अगर एक साथ जोड़ दीजिए तो बहुत सारी बात आप जान जाएंगे और किसी को तैयार नहीं हुए। ये कितनी बड़ी बात कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए और किस तरह से लड़े, किस तरह से सब जगह गए, सबसे संपर्क किया, अंग्रेजों से कितनी जगह मुकाबला करते रहे उनके सैनिकों से और उनको थता बता दिया। वो जबरदस्त रणनीतिकार और उस तरह से यहाँ पहुंचे और अंत में उन्होंने विजय हासिल की। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में और जिस तरह से उन्होंने यहाँ काम किया, समाज के हर तबके का साथ लिया और सबको जिम्मेवारी सौंपी, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सवर्ण समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, सबको उन्होंने भूमिका सौंपी और सबका साथ लिया, स्त्री हो या पुरुष। तो इसलिए हम लोगों का मकसद एक ही है कि हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इनको अच्छी तरह जाने, इनकी भूमिका को जाने और कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ। तो मैं इन सब चीजों के लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा कि आज इतनी गर्मी के बावजूद हमारे इतने कलाकार और इतने खिलाड़ी उल्लास के साथ विजयोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और आप सब इस गर्मी के बावजूद भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो जो आज आपके मन का उत्साह बढ़ा है इस उत्साह को कायम रखिएगा और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के संदेश को समझकर उसको अंगीकार करने की कोशिश कीजिएगा और उसका एक ही परिणाम है कि समाज में प्रेम का, सद्भावना का और शांति का भाव पैदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ और जो आयोजन हमारे सरकार के विभागों के द्वारा, कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा और इसमें बैठ करके जिन लोगों ने भी सलाह दिया मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ और हमारे मुख्य सचिव को हमने कहा था कि इसमें भी दिलचस्पी लीजिए और उन्होंने पूरी दिलचस्पी ली और तीनों दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और बृहद ढंग से उसका आयोजन हो रहा है। इसके लिए भी मैं उन सब लोगों को बधाई देता हूँ, आप सबको भी मैं बधाई देता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ विशाल माला माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए और साथ ही साथ शॉल भेंट कर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। एक जोरदार तालियों से आप इस क्षण का स्वागत कीजिए। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है विजय उत्सव के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है आप जगह पर